फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। अब आप लोग का टाइम आ गया कि आप लोग अपना टीएमए बनाकर फटाफट से अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा दीजिए। जनवरी जो है आप लोग का 31 जनवरी से पहले पहले आप लोग अपना टीएमए बनाकर सबमिट करवाना होता है अपने स्टडी सेंटर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं समझ में नहीं आता उनको कि टीएमए है क्या चीज़, क्या बनाना होता है, कैसे करना होता है, कहाँ ले जाके सबमिट करना होता है, उससे हमें मिलता क्या है, क्या प्रॉफिट होता है उससे, तो वो सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में खाली टीएमए का टॉपिक जो है आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। टीएमए आप लोग का क्या है, कैसे बनता है, उससे क्या चीज़ें मतलब हमें अर्न होता है, क्या प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोग की क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। सो सिंपली आप लोग को पूरा ऐसे प्रैक्टिकली मैं दिखा कर कि क्या चीज़ होती है टीएमए, कैसी फाइल होती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। एक तरह का आप लोग का असाइनमेंट होता है जो कि आप लोग का इसका 20% आप लोग के थ्योरी एग्जाम में ऐड किया जाता है। इसके मार्क्स आप लोग को मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऐड होते हैं। तो इन केस मतलब इसका प्रॉफिट ये है कि अगर आप लोग जैसे मार्क्स तो ऐड होते हैं इससे आपकी परसेंटेज भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन एक तरह से कुछ बच्चे जो पढ़ाई में वीक हैं फेल होने वाले होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट कई बार ये हो जाता है कि जैसे इन केस अगर वो फेल हो रहे हैं या ऐसा मार्क्स उनका आ रहा है तो 20% जब टीएमए का मार्क्स ऐड होता है उसमें तो काफ़ी मतलब बच्चे जो है बॉर्डर पे से ही लेकिन पास हो जाते हैं, फेल होने से बच जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है। तो एक तरह से टीएमए आप लोग का परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और फेल होने से बचा भी सकता है, ठीक है। अगर बहुत कम परसेंटेज है तब तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाओगे, वो मैं नहीं कह रही कि अगर आपको टीएमए सबमिट कर दिया तो आप फेल हो गए ही नहीं, ये मत समझना, ठीक है। सिंपली अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टीएमए कैसे बनाना होता है, किस तरह की फ़ाइल चाहिए होती है। देखिए टीएमए की फ़ाइल जो है आप लोगों की कुछ इस तरह की होती है। सिंपली अगर मैं दिखाऊँ तो या समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कुछ फ़ाइल होती है, ठीक है, जो कि आप अपने टीएमए में यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, सिंपली मार्केट में अवेलेबल होती है। इस तरह का अंदर आप लोगों को यहाँ पे सारी अपने जितने भी असाइनमेंट वाली चीज़ें होती हैं सब यहाँ पे अटैच करनी होती है। इस तरीके की फ़ाइल होगी, ठीक है, और उसमें जो है आप लोग का सबसे पहले आप लोग का आएगा इंट्रोडक्शन शीट। जिसमें इंट्रोडक्शन शीट समझ रहे हैं आप लोग, इंट्रोडक्शन शीट का मतलब है जिसमें आप लोग का नाम, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, आप लोग का एड्रेस अगर आप लोग को डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी है। आप लोग का क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड क्या है, कहाँ आप लोग का स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर का पिन, ठीक है, सारी चीज़ें जहाँ पे आप लोग का स्टडी सेंटर है वहाँ का पिन आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप लोग के खुद से रिलेटेड, अपना ईमेल आईडी वगैरह नंबर ये सब मत डालिएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन्स होती हैं जिसमें आप लोग को ज़रूरत है टीएमए में शो करने की, वो सारी चीज़ आप लोग को उसमें ऐड करनी होती है, वो आप लोग का कहलाता है इंट्रोडक्शन शीट। अगर आप लोग को कंप्यूटराइज चाहिए, अगर ऐसे निकालना है तो आप बनाकर डिज़ाइन करके निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट निकाल के इसमें अटैच कर सकते हैं, नहीं तो अगर हैंडमेड बनाकर अटैच करना है तो भी आप लोग अपने हाथ से ही सारी चीज़ें बनाकर अपना लिखकर अटैच कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन शीट। सबसे पहले आप लोग की आती है इंट्रोडक्शन शीट, ठीक है, उसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन पेपर। पहले जो है बुक मिला करती थी टीएमए की, लेकिन अब नहीं मिलती आप लोग के स्टडी मटेरियल के साथ। तो आप लोग का अब से इस बार से ये हो गया कि आप लोग का टीएमए जो है ऑनलाइन तरीके से टीएमए क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑनलाइन आप लोग के एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसमें आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप लोग देखेंगे आप लोग के सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, जो पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोग को सबसे पहले अपनी क्लास देखनी है। अगर आप 10th के हैं मतलब सेकेंडरी, तो उसमें आप लोग को अपने सब्जेक्ट्स देखने होंगे, मीडियम अपना देखना होगा, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी, वैसे उस टीएमए में दोनों मिक्स होते हैं, मीडियम उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीएमए में बस आप लोग को पेज में आप लोग अपनी क्लास देखनी होगी, सब्जेक्ट ढूंढना होगा, एक बार सब्जेक्ट कोड भी मैच कर लेना, ठीक है, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट कोड मैच करना, उस पर क्लिक करना, आप लोग का टीएमए डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होता है और सेकेंडरी मतलब 10th, ठीक है, उसको जो है आप लोग क्लिक करोगे, आप लोग का सब्जेक्ट का जो टीएमए होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसका आप लोग को प्रिंट निकाल लेना है। सिंपली उसमें दोनों फॉर्म में लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है हर क्वेश्चन और हिंदी में भी लिखा रहता है कन्वर्ट होके वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको जो है आपको प्रिंट निकालने के बाद इसमें अटैच करना है आफ्टर इंट्रोडक्शन शीट। इंट्रोडक्शन शीट लगाने के बाद आप लोग को अपना क्वेश्चन पेपर अटैच करना है, ठीक है।
और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल आप लोग के हर टीएमए में 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट के टीएमए में, चाहे आप 10th के हों चाहे 12th के हों, कोई डिफरेंस नहीं है, सब में 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आप लोग को करना होता है। जैसे उसमें दिया गया हो 40-50 वर्ड्स में, 100-150 वर्ड्स में, ठीक है, इस तरह से करके आप लोग को उसके हिसाब से सारे आंसर्स आप लोग को सॉल्व करके फिर अपनी एक आंसर शीट में लिखना होता है। शीट आप लोग की A4 साइज शीट्स होंगी, जिसमें आप लोग की लाइन लाइन वाली शीट्स आती हैं, स्टेशनरी पे आप लोग को आराम से मिल जाएंगी, लाइन वाली शीट्स होती हैं A4 साइज, ठीक है। उसमें आप लोग को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग की फाइल में, पहले हो गई आप लोग की फाइल, उसमें आ गया आप लोग का इंट्रोडक्शन शीट, देन आप लोग का आ गया, वेट, देन आप लोग का आ गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के बाद आ गया आप लोग का सॉल्यूशंस, जो आपके आंसर्स आप लोगों ने करे हैं क्वेश्चन के, सारे जो आंसर्स लिखे हैं अपने A4 साइज शीट में, वो फिर आप लोग को लास्ट में अटैच करना होता है, ठीक है। ये तो कोई और सब्जेक्ट का है, मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। फिर आप लोग को लास्ट में ये अटैच करना होता है। सिंपली आप लोग का हो गया TMA तैयार पूरा, इस तरीके से आप लोग का TMA तैयार होना है। सिंपली आप लोग को ये ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा देना है 31 जनवरी से पहले पहले आप लोग का, मतलब अगर अभी जो जिनका एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर जैसे आप लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, ठीक है, तो अक्टूबर के लिए आप लोग को 31 जुलाई से पहले पहले जो आप लोग को सबमिट करना, मतलब लास्ट डेट आप लोग की 31 जुलाई होती है, और अगर आप लोग का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने वाला है तो TMA सबमिट करवाने की लास्ट डेट आप लोग की 31 जनवरी होती है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट होता है, समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग को वहीं बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोग का ये होता है TMA तैयार, इस तरीके से आप लोग का TMA बनता है। फिर भी कोई ऐसा प्रोसेस कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना हो, तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर इस दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। अपना अगर TMA बनवाना हो तो भी आप लोग की हेल्प यहाँ पर मैं करूँगी, इसी नंबर में मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग अपना TMA बनवा सकते हैं, जो कि पूरा TMA आप लोग का रेडी करवा के आप लोग के घर तक पहुँचाया जाएगा, जिसको आपको सिंपली ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल या TMA बनवाना हो तो इस दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह की वीडियोज़ लेते रहने के लिए, NIS से रिलेटेड, IGNOU से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड, हर बोर्ड से रिलेटेड जानकारी लेते रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और भी NIS के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।